अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे पास हाईवे पेमेंट मटेरियल से आपका जो बिटुमिन आते हैं उसके बारे में हम लेके आए हैं। तो वहाँ पे जो बिटुमिन का जो आपका टेस्ट होते हैं उसके बारे में, जो बिटुमिन का जो हाईवे मटेरियल है एक किस्म का हमारे पास जो पेमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं एज ए बाइंडर एजेंट, तो इसके बारे में जो टेस्ट है, इसके वेरियस टेस्ट जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, आपका सॉफ्टनिंग टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट और आपका बाकी जो जितने भी टेस्ट होते हैं वो आप आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट जो होते हैं, इसमें वही से शुरू करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट आपने सुना होगा, पेनिट्रेशन टेस्ट, इस टेस्ट में आपका क्या होता है, जो अपैरेटस होते हैं यहाँ पे आपका एक वहाँ पे अपैरेटस पे आपका एक नीडल होते हैं, जो एक आपका एक वहाँ पे अपैरेटस पे नीडल होती है, नीचे आपका विटामिन रखा होता है, वो आपका जितने भी हाइट की है तो वहाँ पे विटामिन रखा होता है, तो वो विटामिन आपका तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका रखा जाता है, 25 डिग्री तो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और वहाँ से आपका ऊपर आपका डायल गेज होंगे, वहाँ से आपका रीडिंग नोट करना है, ठीक, ये डायल से आपका रीडिंग नोट करें, तो वहाँ पे आपका एक नीडल होगा, तकरीबन इसका जो वेट होगा वो आपका 100 ग्राम्स होगा, तो 100 ग्राम नीडल अगर आपका नीचे 25 डिग्री में आपका नीचे कितने मतलब पेनिट्रेशन हो जाते, जब हम यहाँ से इसका जो यहाँ पे एक सपोर्ट होते हैं उसको निकालने के बाद ये कितने आपका अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं इस विटामिन में आपका कितने यहाँ पे कितना कण है यहाँ पे अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो उसको हमें नोट करना है 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड के लिए आपका ये जो नीडल होता है वो कितना पेनिट्रेट होता है उसको हमें नोट करना है, तो वो आपका पेनिट्रेशन टेस्ट वहाँ पे देगा। अगर आपका सपोज हमारे पास मान लो ये आप 0.6 आपका नीचे गया, ठीक, 0.6 यूनिट आपका नीचे गया, यहाँ पेनिट्रेशन हो गया, तो इसको हम कैसे रीड करना है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सपोज हमारे पास रीडिंग आ गया 0.6, तो रीडिंग 0.6 आ गया तो हम क्या करते हैं 0.6 डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड बाय 10 करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 mm, तो ये हमारे पास 6 mm इसका पेनिट्रेशन यहाँ पे टेस्ट है, इतना यहाँ पे पेनिट्रेशन होता है, तो इसी पेनिट्रेशन टेस्ट के हिसाब से हम इसका ग्रेडिंग भी ले लेते हैं। जनरली ये जो आपको होते हैं 80 to 90 भी होते हैं आपका 80 to 100 होता है एक, आपका 60 to 70 होता है एक, आपका होते हैं 30 to 40, ये भी एक आपका ग्रेड होता है, तो ऐसे आपका पेनिट्रेशन का एक से वैल्यू लेते हैं। जनरली इसका मतलब यहाँ पे वेरी होता है, यहाँ पे 8 to 100 मतलब 80 to 100 आपका ग्रेड आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 0.8 to 10 के बीच में आपका पेनिट्रेशन mm यानी पेनिट्रेशन होगा, तो ऐसे भी कुछ कंक्रीट को ग्रेड ये बिटुमिन को आपका ग्रेड करते हैं, इसके बाद आपका बाकी इसके हिसाब से भी ग्रेड करते हैं, 30 to 40 इसके हिसाब से भी ग्रेड करते हैं हमारे यहाँ पे, ये जनरली इसके हिसाब से आपका नोट करना है, ये आप याद रखना 10 mm आपका यहाँ पे नोट करना है, और यहाँ पे ऊपर जो आपका यहाँ से डायल गाज जो रीडिंग आता है वो आपका ऊपर यहाँ पे लिखना है, तो इसके बाद डिवाइड करके आपका पेनिट्रेशन आपका वहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आपका अगर हम बताएं इसके टार जो आते हैं इसके बरक्स के अपोजिशन जो टार आते हैं बिटुमिन के टार में, जो ये टेस्ट जो है वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए इस पे टार पे जो पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपको ये हो गया पेनिट्रेशन टेस्ट इसका, यानी ये वैल्यू याद रखना आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये टेस्ट करना है, 5 सेकंड में कितना पेनिट्रेशन होता है नीडल का वो हमें नोट करना है, और यहाँ पे नीडल का वेट जो है 100 ग्राम, ये याद रखना है। इसके बाद आपका दूसरा टेस्ट आ जाता है यहाँ पे डक्टिलिटी टेस्ट आ जाते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट इसमें आपको क्या करते हैं डक्टाइल बिहेवियर देखते हैं, इसमें कंसिस्टेंसी, इसमें जो एडिसिवनेस और इलास्टिसिटी विटामिन का वो क्या होता है उसको हमें नोट करना है, एडिसिवनेस और इसका आपका इलास्टिसिटी यानी कितना ये स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, इसको हमें नोट करना है डक्टिलिटी टेस्ट में। इसमें हमें फिर से एक अपैरेटस आता है आपका, ये आपका एक अपैरेटस है, ये इस तरह जो दोनों आपको अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे अंदर आपका विटामिन फिल करना है, ठीक है, विटामिन फिल करना है, ये आपका विटामिन है और ये अलग करना है, इससे स्ट्रेच करना है, ठीक है, और ये स्ट्रेच करने के बाद हमारे पास कुछ जहाँ तक आपका स्ट्रेचबल होगा, ठीक है, जहाँ तक आपका स्ट्रेचबल होगा ये विटामिन वो आपका वो डिस्टेंस आपका क्या देते हैं आपका ये डक्टिलिटी टेस्ट देते हैं, ठीक है, डक्टिलिटी वैल्यू देते हैं, तो इसमें आपका ये याद रखना है, इसमें हम एडिशनल और इलास्टिसिटी ये जो है हमें चेक करना है। इसमें आपका 10 into 10 साइज का आपका ये अपैरेटस, लिक्विड अपैरेटस जिसको कहा जाता है,
ये आपका इतना डायमेंशन इसका होते हैं। तो ये 27 डिग्री पे 27 डिग्री पे आपका ये जो थ्रेड बनते हैं ना यहाँ पे, इसको स्ट्रेचेबल करने के बाद आपको कुछ ऐसे बन जाएगा। ये आपका एक यहाँ पे पहुंच गया, एक यहाँ पे इसे स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे जहाँ जिस पॉइंट पे आपका स्ट्रेच होगा ना वो आपका डिस्टेंस दे देता है। तो ये आपका डिस्टेंस आपका सपोज ये जो मीडियम स्टैंडर्ड जो आ जाते हैं वो तकरीबन 75 सेंटीमीटर आते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है डॉक्टर जी। जो आपका वैल्यू जो आते हैं मिनिमम 75 सेंटीमीटर आते हैं, ग्रेड ऑफ 45 बिटुमिन ग्रेड 45 से वो जो आते हैं ग्रेड, उसके लिए 75 सेंटीमीटर आते हैं। तो यही लेंथ हमें नोट करना है इसमें डक्टिलिटी टेस्ट में बिटुमिन का। तो यही आपका डक्टिलिटी वैल्यू देते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पे टेम्परेचर जो मेंटेन करना है 27 डिग्री करना है, और आपको यहाँ पे जो ब्रिक्विड का साइज है आपका 10x10 mm आपका साइज है। यही पे जहाँ पे पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा वहां तक आपका ये जो है डिस्टेंस आपको नोट करना है। याद रखना 75 सेंटीमीटर ग्रेड, यानी जिनका 45 से वो आपका बिटुमिन ग्रेड होते हैं उसके लिए मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू, वो वैल्यू वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपका बिटुमिन होते हैं। विस्कोसिटी टेस्ट लेते हैं, विस्कोसिटी आपका थर्ड आता है, विस्कोसिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं इसका कितना विस्कस है। यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी मेजर होता है, वो रेजिस्टेंस फ्लो मेजर होते हैं। कंसिस्टेंसी यानी कितना कंसिस्टेंसी आपका बिटुमिन, और आपका फ्लो यानी कितना फ्लो का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू फ्लो बिटुमिन आपका कितना रेजिस्टेंस है फ्लो के लिए, तो वो आपको यहाँ से विस्कोसिटी टेस्ट से आपका डिनोट कर यहाँ से डिटरमिन करते हैं। इसमें आपका जो एपरेटस होता है ऑरिफिस विस्कोमीटर आपका जिसको कहा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी यहाँ पे कुछ आपको वेल्व होते हैं, यहाँ से आपको बिटुमिन निकल जाएगा, यहाँ से बिटुमिन रखना है हमें, ठीक है, ये बिटुमिन यहाँ पे रखना है। इसके बाद नीचे आपका एक कोई एक एपरेटस होगा, यहाँ पे इसका ml होता है 50 ml, ठीक 50 ml तक, ये 50 ml तक हमें क्या होता है यहाँ पे इससे फ्लो होना है, ठीक है, यहाँ से बिटुमिन जो आपको नीचे फ्लो होके यहाँ से आएगा वो टाइम जिस पे आपका यहाँ पे 50 ml भर जाएगा बिटुमिन से, यहाँ ऊपर बिटुमिन है, ये बिटुमिन यहाँ पे फॉल होके नीचे आना है, यहाँ पे 50 ml का ये बीकर जो है आपका एपरेटस होते हैं वो कितने टाइम में भर जाएगा वो आपका विस्कोसिटी टेस्ट वो वैल्यू दे देते हैं। शर्त ये है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारे पास करना चाहिए, और इस टेस्ट का एपरेटस का नाम है ओरिफिस विस्कोमीटर, ठीक विस्कोमीटर, ओरिफिस टैब या विस्कोमीटर भी कह सकते हैं या ओरिफिस विस्कोमीटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू देगा वो आपका जो टाइम देगा, ठीक है, वैल्यू आपका टाइम देगा, टाइम टेकन यानी टू फिल अप दिस 50 ml जो आपका टाइम टेकन हो जाएगा वो आपका विस्कोसिटी टेस्ट देगा। ये आपका यहाँ से याद रखना है कंसिस्टेंसी और आपका रेजिस्टेंस फ्लो यहाँ से नोट हो जाएगा। आपका यहाँ पे लो विस्कोसिटी जो है आपका मे भी यहाँ पे किसी का लो विस्कोस भी हो सकता है, यहाँ पे विस्कोसिटी बहुत कम निकलेगा तो उसका मतलब वहाँ पे जो विटामिन है वो उसमें बाइंडर एक्शन बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हाई जो विस्कस है, कभी किसी में हाई विस्कस भी आ सकते हैं, हाई विस्कोसिटी, जो हाई विस्कोसिटी वाला है वो याद रखना वो आपका मिक्सचर उसमें जो है हेट्रोजिनस होते हैं और आपका ये जो है रेजिस्ट करेगा, जो हाई विस्कस होते हैं वो कंपैक्टिव इफेक्ट जो है उसको रेजिस्ट करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारे पास विस्कोसिटी टेस्ट कुछ इस तरह से होते हैं, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, आपको कुछ पॉइंट्स जो है बेसिक टेस्ट में जो टेम्परेचर लाइक और ये इसका एपरेटस और ये सब याद रखना है और किसके लिए इस्तेमाल होते हैं ये हमें याद रखने पर। इसके बाद आपका और एक टेस्ट चौथे पे आ जाते हैं, फ्लो टेस्ट आ जाते हैं, फ्लोट टेस्ट, ये भी एक विटामिन का टेस्ट है। फ्लो टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक बीकर होते हैं, ठीक है, इसमें हॉट वाटर रखते हैं, हॉट वाटर, इसका टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, फिर इसके ऊपर हम एल्यूमिनियम का शीट पे उसमें हमें बिटुमिन रखना है जिसको 5 डिग्री पे रखना है, ठीक है, इसका बिटुमिन। अब ये बिटुमिन इस पे हमें क्या वैल्यू नोट करना है, यहाँ पे हमारे पास कंसिस्टेंसी फिर से यहाँ से आ जाता है, जो पेनिट्रेशन से हमें जो कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो वैल्यू नहीं आते हैं, जो कंसिस्टेंसी पता नहीं होते वो हमें जो है फ्लो टेस्ट से होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम फ्लोड है, ठीक है, और यहाँ पे उसके ऊपर आपका बिटुमिन रखा है, ये आपका पानी है 50 डिग्री पे। तो यहाँ पे टाइम कितने टाइम में ये यहाँ पे हॉट वाटर पेनिट्रेट होके इसमें चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे चला जाना ये हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है तो इसीलिए इसमें पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जहाँ तक ये यहाँ पे इसके अंदर पेयर्स हो जाते हैं इस एल्यूमिनियम के थ्रू, तो उस टाइम का हमें नोट करना है, वही टाइम हमारे पास क्या देते हैं, फ्लो टेस्ट दे देते हैं, ठीक है, फ्लो टेस्ट देते हैं। यहाँ पे याद रखना इसमें कुछ नहीं है, फ्लो बिटुमिन को आपको कूल करना है, ठीक है,
कूलर 5 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसको ठंडा करना है, इसके बाद इसमें प्लेस करना है हॉट वाटर की, जिसका टेम्परेचर आपका 50 डिग्री होता है। तो वहाँ से आपका टाइम रिक्वायर्ड हमें नोट करना है, टाइम रिक्वायर्ड आपका नोट करना है बाय वाटर टू इंजेक्ट, आपका इंजेक्ट हो जाना है इनटू विटामिन। ठीक है, विटामिन में आपका जो है टाइम रिक्वायर्ड हुआ इंजेक्ट होने के लिए, वो आपका फ्लोट वैल्यू दे देते हैं। जितना आपका हायर द फ्लोट वैल्यू होगा उतना आपका स्टिफर होगा विटामिन। ठीक है, ये बात याद रखना, ये कुछ इस फ्लोट टेस्ट में आपका पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास और एक टेस्ट और कुछ यहाँ पे टेस्ट है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। ये भी आपका इसमें टेस्ट जिस तरह एग्रीगेट में लेते हैं इसी तरह इसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट लेना पड़ता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये भी ऐसे टेस्ट है, इसमें टेस्ट में आपको डिटरमाइन करना है एटॉमिक प्रॉपर्टी, आपका डिटरमाइन करना है डिटरमाइन एटॉमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टी लगता है मेरा पेन गया, प्रॉपर्टी आपको ये जो एटॉमिक प्रॉपर्टी आते हैं उसको हमें डिटरमाइन करना है इस टेस्ट में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये याद रखना, इसमें कुछ पॉइंट है ये आपको याद रख सकते हैं। विटामिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो तकरीबन फॉल होना चाहिए 0.97 टू 1.02 के बीच में, ये विटामिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इसके बरक्स उसका जो टार होते हैं उसका होना चाहिए 1.102, आपका ये याद रखना 1.25, ये आपका वैल्यू है, रेंज है, इसके दोनों में फॉल होना चाहिए विटामिन का। और ठीक ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इस तरह यहाँ से पता कर सकते हैं हमारे पास जो है टार का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मैक्सिमम है कम्पेयर टू विटामिन का। इसमें वही करना है जो हम एग्रीगेट में भी करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका वॉल्यूम उसकी उसका वॉल्यूम लेना है डिवाइड उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम पे जो आपका वेट आते हैं वो हमें करने हैं यहाँ पे। ठीक, इसके बाद और ऐसे इसमें फ्लैश पॉइंट, कौन सा फ्लैश पॉइंट हो गया, मतलब आपको विटामिन को हीट अप करना है। ठीक है, आपको विटामिन जो है आपको यहाँ से हीट अप करना है, हीट अप करने के बाद एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे थर्मामीटर भी रखना है। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे आपका यहाँ से जो भाप निकलेगा, ठीक है, स्टीम निकलेगा यहाँ से जो वहाँ पे हीट अप होने के बाद एक टेम्परेचर पे, तो उस पे आपका एक क्या होता है अचानक एक मोमेंटरीली आपका एक फायर वहाँ पे ले लेता है वो विटामिन की। ठीक है, ये आपका जो स्टीम आता है यहाँ पे वो एक मोमेंटरीली एक फायर लेते हैं, फ्लैश लेते हैं, तो उस वो जिस टेम्परेचर पे लेगा वो हमारे पास फ्लैश पॉइंट होगा। ठीक है, फ्लैश पॉइंट उसमें क्या होते हैं मोमेंटरीली अचानक एक झलक सा एक फ्लैश आ जाते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर पे वो हमें नोट करने वो फ्लैश पॉइंट देगा। और फायर पॉइंट कौन सा देगा, फायर पॉइंट वो फायर पॉइंट है जहाँ पे हमारे जो है 5 सेकंड के लिए आपका 5 सेकंड के लिए आपका जो विटामिन आग पकड़ के रखेंगे। ठीक है, मतलब जलेंगे आग जो है जलेंगे ये विटामिन तकरीबन 5 सेकंड के लिए अगर रहा दैट मीन्स आपका वो आपका पॉइंट जो है आपका फायर पॉइंट है। ये भी हमें नोट करना है, इसी में ये सेफ्टी मेजर है ना हमने, यानी टेम्परेचर की आपका रेजिस्टेंस है कि नहीं, आपको कितने टेम्परेचर पे ये फायर ले सकते हैं, ये एक सेफ्टी मेजर है। ठीक है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट 5 सेकंड के लिए हमें टेस्ट करने है। तो इसके बाद यहाँ पे जो देखा गया जनरली अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे कोड है वहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे 175 आपका 175 डिग्री आपका सेल्सियस जो है ये आपका फ्लैश पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, 175 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका इतने टेम्परेचर पे आपका वहाँ पे स्टीम निकल के वो वहाँ पे फ्लैश पकड़ेगा, ये आपका होते हैं। और इसमें जो अपैरेटस हम इस्तेमाल करते हैं उसको वो उसको बोलते हैं पेंसकी नाटिन क्लोज्ड एंड ओपन अपैरेटस। ठीक है, ये आपका याद रखना अपैरेटस पेंसकी नाटिन अपैरेटस, ये आपका इसमें ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे टेस्ट इस तरह स्पॉट टेस्ट भी आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, वो हम उतना इम्पॉर्टेंट है जितना मैंने बताया ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा टेस्ट फॉर विटामिन था, अगले हम वीडियो में हम और भी हम लेके आएंगे विटामिन के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।